अब बात कृषि बिल पर छिड़े घमासान की। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है और सरकार रास्ता निकालने के लिए लगातार मंथन कर रही है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ भी मुलाकात की। इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा और सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के कई नेता भी शामिल थे। इस मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पंजाब बीजेपी के ये जो नेता हैं आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दरअसल जो किसान आंदोलन की सबसे मुखर आवाज है वो पंजाब से ही उठ रही है। किसान आंदोलन को लेकर तीन बड़ी खबरें आपको बता दें, कहीं किसान बिल को लेकर घमासान छिड़ा है तो कहीं आंदोलन की आड़ में साजिश भी की जा रही है। बड़ी खबर राजस्थान के शाहजहांपुर से है, जहाँ किसान दिल्ली के कूच के लिए निकले हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया है और इस वक्त पुलिस और किसान आमने सामने हैं। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के वॉशिंगटन में किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया लेकिन इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। खालिस्तान समर्थकों ने बापू की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस और किसान आमने सामने हैं। दिल्ली कूच के लिए भारी संख्या में किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं लेकिन पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोक लिया है। साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर जबरदस्त पहरा है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। सीमेंट के ब्लॉक्स के जरिए रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि किसान किसी भी हाल में आगे ना बढ़ सके। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। किसानों की तरफ से आज दिल्लो चलो का आह्वान किया गया था। राजस्थान के शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए मार्च किया जाना था। इस वक्त हम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर में रेवाड़ी जिले के बॉर्डर पर खड़े हैं और यहां की तस्वीर है कि किसान मार्च करते हुए यहां पहुंच चुके हैं। किसानों को रोकने के लिए तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहली बैरिकेडिंग के बाद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स हैं और तीसरी बैरिकेडिंग के पार आपको सीआरपीएफ के जवान भी, सीआईएसएफ के जवान भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ शाहजहांपुर से 7 किलोमीटर मार्च करते हुए इस बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और अब वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। किसानों की तरफ से कहा गया है कि जहां पुलिस रोकेगी वो वहीं रुक जाएंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, जबकि पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस आंदोलनकारियों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करेंगे। और इन तस्वीरों को देखिए, ये समर्थक यहां सड़क पर बैठ गए हैं और झंडे वाली गाड़ियां और ट्रॉली आपको जहां तक आपकी नजर आ रही है लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर तक ये काफिला नजर आ रहा है। और यहाँ की सबसे बड़ी खबर ये है कि नेशनल हाईवे जो कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इधर आप देखेंगे तो दिल्ली से रास्ता जयपुर की तरफ जाता है, ये पूरी तरीके से बंद है और ये हाईवे अब पूरी तरीके से बंद है। पुलिस की तरफ से यहाँ अल्टरनेट रूट का प्रावधान किया गया है कि यात्री रेवाड़ी और बाकी रास्तों से होकर निकल सके, लेकिन इस वक्त यहाँ किसान इस नेशनल हाईवे को रोकने में कामयाब रहे हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसानों की तरफ से कहा गया है कि ये हाईवे उन्होंने नहीं रोका है, पुलिस उन्हें दिल्ली जाने से रोक रही है, इसलिए वो सड़क पर बैठ गए हैं। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। पटना के पास बख्तियारपुर में किसान सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद किसानों का हर भ्रम दूर कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। आप हमारे सारे किसान भाई इस पूरे कानून के सार को आप बिल्कुल ठीक है, आप सारे किसान भाई शांति से इस अधिकार को समझिए कि आप अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं मंडी से ही बेचो। आज आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया के मित्र हैं तो ये बात देश में जानी चाहिए। बिहार से 2006 में मंडी का कानून समाप्त हो गया। आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बख्तियारपुर फतुहा और यहां पर उपस्थित किसान भाई उसके बारे में सोचें। आपको मालूम है कि आज किशनगंज में पाइनएप्पल की खेती होती है, 1,00,000 मेट्रिक टन पाइनएप्पल अनानास
कलकत्ता के व्यापारी खरीद कर ले जा रहे हैं। पूर्णिया में केला की खेती और बढ़ गई है। औरंगाबाद में आपको जानते स्ट्रॉबेरी फल की खेती होती है, बहुत पैसा मिलता है उसमें। औरंगाबाद के किसान ने शुरू किया तो 200 मेट्रिक टन कलकत्ता के व्यापारी आते हैं, वहां से स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले जाते हैं। ये लीची, इस बार कोरोना था तो हमारे आईटी विभाग में सीएससी काम करता है, वो एप्पल से बेचते हैं। मुजफ्फरपुर के किसानों से संपर्क किया, आज मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड पहुंच गई, किसानों को उनके बाग में ही अधिक पैसा मिल गया। आप हमें ये चीज बताइए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसानों को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के पीछे खड़ी है। किसान तुम अपनी फसल को पैदा करो, किसान भारत सरकार सहयोग करेगी तुमको, किसान मान सम्मान में तुमको इनपुट कॉस्ट में तुमको फर्टिलाइजर मिले। नीम कोल्ड यूरिया के माध्यम से फर्टिलाइजर पर काला बाजार समाप्त हो गया। भारत सरकार भी खड़ी होगी, प्रदेश सरकार भी खड़ी होगी, और बाकी किसान आप तय करो। आपको मंडी में जाना है, मंडी में बेचो, पैक्स में जाना है, पैक्स में बेचो, और अगर आपको किसी बड़े बाजार में जाना है तो जाओ वहां भी बेचो। यही तो एक कानून है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है आज बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं आईटीसी वगैरह बक्सर में ससराम में, वो किसानों का खरीद रही है धान, खरीद रही है गेहूं, किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। आज हम आपके बीच क्यों आए? फिर मैं कहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत उसको सटीक भाषा में समझा दिया है, दो प्रदेश के किसान, दो छोड़िए एक प्रदेश के किसान वो बैठे हुए हैं कि नहीं, किसान मंडी के चंगुल में फंसा रहेगा, किसान मंडी के चंगुल से बाहर नहीं जाएगा। हम कहते हैं किसान पंजाब का हो, हम कहते हैं किसान बिहार का हो, हम कहते हैं किसान मध्य प्रदेश का हो, किसान को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। आप देखिए आत्मनिर्भर भारत में 1,00,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, उसमें क्या किया गया है? बिहार का मखाना, कहीं की लीची, कहीं का जर्दालू आम, ये सबको नए नए अवसर मिलना चाहिए। ये बताइए कि बिहार के, उत्तर बिहार के लोग मखाना उगाएं तो उसके मखाना को दुनिया का बाजार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक बार हम उड़ रहे थे हवाई जहाज लंदन जा रहे थे सरकारी काम, तो हमको जो नाश्ता दिया गया उसमें वो पैकेट का मखाना था, तो खाए तो कोई खास नहीं लगा, तो हमने एयर होस्टेस को बुलाया कि मखाना कहाँ का है जी? कहा सर राजस्थान से पैक होकर आया। हमने कहा एक बार हमारे बिहार के किसानों का मखाना खा लो, दुनिया मखाना खाती रह जाएगी, ये क्षमता है उसमें। ये क्यों नहीं होना चाहिए? कौन सी ताकतें रोक रही हैं कि किसान मंडी के चंगुल में रहेगा? छोटे किसान को मंडी वाले कहेंगे तुम वही बोगे जो हम कहेंगे, तुम वही फसल उगाओगे जो हम कहेंगे, और तुम और कहीं नहीं बेचोगे, सिर्फ आगे हमारी मंडी में बेचोगे। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, वो किसानों का हर भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कश्मीर के डल झील में बीजेपी ने क्यों की शिकारा रैली।